अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी की बेसिकली क्या खासियत है या क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम ये डिफाइन कर पाए कि इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कहती है कैपेबल ऑफ डूइंग लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और वॉल्यूम। जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम हमारा हो वो हमेशा कैपेबल होना चाहिए ऑफ डूइंग लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। एक ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करने पे पर यूनिट मास और वॉल्यूम, कि अगर हम मास में देखें तो भी ज्यादा हो और अगर हम वॉल्यूम में देखें तो भी ज्यादा हो, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर पाए ऑन अ डिफाइंड मास और वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इजिली एक्सेसिबल, दैट इज इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज। जो हमारा बेसिकली होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी वो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब बहुत इजिली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हर कोई आराम से उससे एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है बट उसको हम उतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते जितने आसानी से हम कोई और या कोई उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को कर सकते हैं। सो ऐसे केस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो हमारे लिए आइडल नहीं होगा। सो एक सोर्स ऑफ एनर्जी को जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट शुड बी ऑलवेज इजिली एक्सेसिबल। ओके, इजिली एक्सेसिबल होने के साथ हमेशा वो कन्वीनियंट टू यूज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजिली एक्सेसिबल तो है, आसानी से मिल तो रहा है बट उसको हम उतनी आसानी से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो वो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए और कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, कि इजिली यूजेबल भी होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए एक आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। थर्ड पॉइंट सेज इजी टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर, वो हमेशा इजी टू ट्रांसपोर्ट या स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम एक्सेस करने के लिए उसमें हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट के की हेल्प की वजह से हम तक इजिली पहुंच सके, ऐसा होना चाहिए। या फिर इजी टू स्टोर भी होना चाहिए, कि अगर हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी मिल भी गया, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम आप कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाते हैं तो आप ऐसा तो नहीं है कोई एक चीज मंगाएंगे, आप उसे थोड़ा बल्क में मंगाएंगे ताकि उसको आप फर्दर भी यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग द कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन और वो चीज अगर उस अमाउंट में नहीं मिल रही है या उस अमाउंट में हम नहीं ले पा रहे हैं ताकि हम उसे थोड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए भी यूज कर पाए, तो इट इज वेरी हाईली कॉस्टेबल फॉर अस। सो उस कॉस्टिंग को भी वो अवॉइड करना चाहिए, ऑल्दो अगर ट्रांसपोर्टेशन है भी तो वो इजी टू स्टोर होना चाहिए ताकि हम उसे एक बार बल्क में मंगा के आराम से रख सकें, ताकि हम उसे थोड़े कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ इयर्स तक के लिए भी प्रॉपरली यूज कर पाए। सो दैट्स द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एट द स्टेडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सोर्स ऑफ एनर्जी इस इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो डिजायर्ड क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में हमें एनर्जी की नीड है उस क्वांटिटी में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और वो भी स्टेडी। स्टेडी मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो बहुत अच्छी क्वांटिटी उसने प्रोवाइड कर दी बट अगले मंथ फिर दोबारा नीचे हो गई, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टडी मीन्स अगर है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही स्ट्रेट अवे हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, इस अमाउंट से ज्यादा तो हो सकता है बट इससे कम नहीं होना चाहिए।
सो सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा होना चाहिए जो डिजायर्ड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में एनर्जी हमारे लिए प्रोड्यूस कर सके विद स्टडी रेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि स्टडी रेट है एक महीने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़े फॉर यू कैन से कपल ऑफ ईयर्स तक के लिए हमें एक डिजायर्ड क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेज इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मींस अगेन इजी टू अफोर्ड, ओके इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ और यू कैन से कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो तो काफी हाई हो रही है बट उससे जो यूज हम ले रहे हैं वो इतना वाइबल नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। सो हमेशा एक आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी को इकोनॉमिकल भी होना चाहिए विद दिस गिवन पॉइंट्स ओवर हियर। ओके सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी।